नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इन्वेस्टिंग चैनल पर। ये वीडियो है ऐसी पांच चीज़ों के ऊपर जो हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। हम इसमें जानेंगे कि ये पांच चीज़ें कौन सी है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में हम बड़ा रिटर्न तभी बना सकते हैं जब हम अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक के लिए इन्वेस्ट करें। अच्छी कंपनियाँ टाइम के साथ अपना प्रॉफिट बढ़ाती जाती हैं, जिस वजह से इनके शेयर प्राइस भी टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं। पर सवाल है कि आखिर हम एक अच्छी कंपनी में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इंडिया के जाने माने इन्वेस्टर विजय केड़िया अक्सर कहते हैं कि BSE और NSE पर लिस्टेड लगभग 7,500 कंपनियों में से 500 कंपनियां ही इन्वेस्टमेंट करने के लायक हैं। ऐसे में अगर हम बिना एनालिसिस किए एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि वो एक अच्छी कंपनी होगी, और हो सकता है कि हमें आगे चलकर अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस भी हो जाए। इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्वेस्टमेंट करने से पहले हर कंपनी का अच्छे से एनालिसिस करें। आइए अब हम उन पांच चीज़ों को जानते हैं जो हमें एक अच्छी कंपनी ढूंढने में हेल्प कर सकती है। पहली चीज़ है बिजनेस ग्रोथ। दोस्तों, हर कंपनी चाहती है कि वो अपना रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाए, पर सभी कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती। ज़्यादातर कंपनियों के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड टाइम के साथ कम होती जाती है, क्योंकि बहुत सारे कंपेटिटर्स कम प्राइस पर वही प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ले आते हैं या फिर सेम प्राइस पर अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज देते हैं, जिससे कस्टमर्स नए कंपटीटर्स के पास चले जाते हैं और पुराने कंपनियों का रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होने लगता है। इस वजह से यह बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें जिन्होंने लगातार अपना प्रॉफिट और रेवेन्यू बढ़ाया है। बिजनेस ग्रोथ में हम कंपनियों के दो चीज़ों को देखते हैं, रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। एक अच्छी कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 7 से 10 सालों में हर साल कम से कम 10% या इससे ज़्यादा होना चाहिए, और अगर एक कंपनी ऐसा कर पा रही है तो इसका मतलब है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की मार्केट में डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी कि कंपनी पर कंपटीटर्स का बहुत कम असर पड़ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ है बिजनेस क्वालिटी। दोस्तों, एक बिजनेस की क्वालिटी का अंदाज़ा हम उसके दो रेशियोज को देख कर करते हैं, जो हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE। एक अच्छी कंपनी का ROCE और ROE पिछले 7 से 10 सालों में हर साल कम से कम 15% जरूर होना चाहिए। ROCE और ROE का लगातार 15% से ज़्यादा होना ये बताता है कि कंपनी अपने बिजनेस में काफ़ी स्ट्रांग है। साथ ही इससे हमें ये भी पता चलता है कि कंपनी के पास कंपिटिटिव स्ट्रेंथ है, जिस वजह से कंपनी लगातार 15% से ज़्यादा ROE और ROCE बना पा रही है। तीसरी चीज़ है डेट एनालिसिस। दोस्तों, अक्सर कंपनियाँ डेट की वजह से ही प्रॉब्लम में आती हैं। जब इकॉनमी अच्छी चलती है तो कई कंपनियां बहुत ज़्यादा डेट ले लेती हैं, पर इकोनॉमिक स्लोडाउन आने पर कंपनी के प्रॉफिट में कमी आती है और हो सकता है कि कंपनी अपने घट चुके प्रॉफिट से डेट की रीपेमेंट ना कर पाए, और ऐसे में कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। इसलिए हमें हाई डेट वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहिए। डेट एनालिसिस के लिए हम कंपनी के डेट टू इक्विटी रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को देखते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी ने अपने 1 रुपये के नेट वर्थ पर कितने रुपये का डेट ले रखा है। वहीं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल इंटरेस्ट पेमेंट से कितना गुना ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है, और हमें ऐसी कंपनियों में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से काफ़ी कम और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम 5 हो। ऐसा करके हम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने से बच सकते हैं जो डेट की वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम में आ सकती है। चौथी चीज़ है प्रमोटर एनालिसिस। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अपने बिजनेस में तो अच्छी होती है, पर कंपनी के प्रमोटर्स यानी ओनर्स ईमानदार नहीं होते, और इस वजह से कंपनी फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चली जाती है। इसलिए हमें कंपनी एनालिसिस करने के साथ प्रमोटर्स का भी एनालिसिस करना चाहिए। प्रमोटर एनालिसिस में हमें कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में सर्च करना चाहिए और ये ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि कंपनी या उसके प्रमोटर्स कभी किसी इलीगल कामों में तो नहीं रहे हैं। हम गूगल पर कंपनी और प्रमोटर के नाम के आगे फ्रॉड या स्कैम या कोर्ट केस लिखकर सर्च कर सकते हैं, जैसे XYZ लिमिटेड फ्रॉड, XYZ लिमिटेड स्कैम या मिस्टर एक्स स्कैम या मिस्टर एक्स कोर्ट केस। और अगर हमें कुछ ऐसा मिले जो कंपनी या उसके प्रमोटर के कैरेक्टर पर सवाल पैदा करे तो हमें उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पांचवी चीज़ है वैल्यूएशन। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि हमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसमें सारी चीज़ें अच्छी हों, कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट में ग्रोथ भी हो, ROCE और ROE भी ज़्यादा हो, डेट भी ना हो और प्रमोटर्स भी अच्छे हों, पर ऐसे में भी हमें अपने इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो सकता है अगर हम उस कंपनी में काफ़ी हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करें। इसलिए हमें सारी चीज़ों के साथ साथ कंपनी के वैल्यूएशन पर भी ध्यान देना होगा। वैसे तो एक कंपनी के वैल्यूएशन के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके हैं,
पर दो रेशियोज हमें हाई वैल्यूएशन पर इन्वेस्टमेंट करने से बचा सकते हैं, जो है पी रेशियो और पीजी रेशियो। पी रेशियो हमें यह बताता है कि हम कंपनी की एक साल में बनाए एक रुपये प्रॉफिट के लिए कितने रुपये दे रहे हैं। वहीं पीजी रेशियो हमें यह बताता है कि कंपनी अपने प्रॉफिट ग्रोथ के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। और हमें जनरली ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका पी रेशियो 25 से कम हो और पीजी रेशियो 1 से कम हो। दोस्तों, हमने देखा है कि सभी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला है अच्छी कंपनियों को ढूंढना और दूसरा है उन्हें तब बाय करना जब वो अंडर वैल्यूड हो। अक्सर कई लोग अच्छी कंपनियों को तो ढूंढ लेते हैं, पर वो उन कंपनियों में तब इन्वेस्ट करते हैं जब वो ओवर वैल्यूड होती है, और फिर जल्द ही उन कंपनियों की शेयर प्राइस क्रैश हो जाती है और लोगों को अच्छी कंपनियों में भी लॉस हो जाता है। इस तरह हमें पहले अच्छी कंपनियां ढूंढना है और फिर उनमें तब इन्वेस्ट करना है जब वो अंडर वैल्यूड हो। और अगर हमारी ढूंढी हुई कंपनी ओवर वैल्यूड है तो हमें पेशेंस रखकर उसके अंडर वैल्यूड होने का वेट करना है, या हमें फिर से दूसरी कंपनी ढूंढनी है जो अच्छी हो और साथ में अंडर वैल्यूड हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो 5 ऐसी चीज़ों के ऊपर जिसे हमें किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़रूर देखना चाहिए। आइए हम उन्हें एक बार फिर से एक साथ देख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारे आगे आने वाले वीडियोज मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।